पतंग कटी आएगी, अपने घर के पास आएगी, पक्का आएगी पतंग भाई, अपने घर में आ रही है, आ रही है, आ रही है पतंग। यही फंसी थी ऊपर थी, और आ जा जो भाई, पतंग आ गई, पतंग आ गई, पतंग आ गई, देख सकते हैं ये रही भाई पतंग, ये पतंग फंसी थी, निकाल ली हमने, आपको दिखाते नीचे गिरा के कैसे। अभी बहुत ज्यादा अंदर आ गया, जल्दी से पीछे कर उसके मुंह का, पीछा करा, रोकी पतंग, एक चक्कर दिए, दो चक्कर दिए, तीसरे चक्कर में अंदर की दिखाई, काट दिया। ओ हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइडलर ऑफिशियल। और भाई मैं छत में अभी जस्ट चढ़ा हूँ, और छत में आके मुझे ये पता चला है कि सामने जो पेड़ है ना, वहाँ पे एक पतंग फंसी है, अभी जूम करके दिखाता हूँ। और ये मेरी पतंग रही, ये अभी मैं आपको लड़ा के दिखाऊंगा, मांगदार मेरी खत्म हो गई थी तो मैं नई पतंगे लेकर आ गया। और ऊपर दिखाओ ना पतंगे, देख लो भाई ऊपर, देख सकते हैं पतंगे, तंगे ये पीछे से लड़ रही हैं, और सामने एक पतंग फंसी है, उसे निकाल के दिखाते हैं पहले आपको, पतंगे देख लो आप पहले। तो जो मैंने आपको पतंगें दिखाई ना पीछे से, उसी में से ये पतंग कट के आई होगी और सामने पेड़ में फंस गई। देखो चॉकलेटी कलर की पतंग है, हरा पत्ता है, एकदम क्लियरली दिख रहा है। मांझा भी मुझे दिख रहा है, लेकिन मांझा बहुत कम है यार, देखो उधर लटक रहा है मांझा, छोटा सा ही मांझा है। तो डालते हैं लंगड़, एक बार फिर से आपको दिखा दूँ पतंग, देखो यहाँ से कट के आई थी पीछे से, ये देखो इस बंदे ने पतंग काटी थी, ये मेरे सामने गिरी है पतंग, मुझे लगा कि मैं पकड़ लूँगा, लेकिन मांझा बहुत कम था तो पतंग जाके पेड़ में फंस गई है। तो निकालते हैं अभी, दिखाते हैं कहाँ गई ये वाले, अगर आती है तो अच्छा ही है यार, ट्राई कर लेते हैं एक बार, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा पतंग आएगी नहीं आएगी, एक बार ट्राई करते हैं, आती है तो सही, नहीं आती तो भी सही यार। तो भाई पतंग तो आप देख लो, पतंग देखो वो सामने फंसी है, लंगड़ हमारे पास ये रहा, ये देखिए इसको डालते हैं पेड़ में, और फिर आपको डाल के दिखाते हैं, पतंग सामने रही, चलो फिर डालते हैं दिखाते हैं। तो पतंग सामने रही, लंगड़ ये रहा, इसको फेंकेंगे, और अगर पतंग का डोरा उधर ही कहीं, अगर डोरे के ऊपर पड़ता है तो देखते हैं आती नहीं आती, चलो ट्राई करते हैं पहला ट्राई। अगर मैं गिराऊं दिखाऊं तो डोरे के पास तो गिरा है, शायद आ जाए भाई, डोरे के पास तो देखो गिरी है पतंग, थोड़ा हिला रहा हूँ अभी, अरे नहीं आया, अब की बार तो नहीं आया, दोबारा देखते, दोबारा आता है नहीं आता है। अब जो पेड़ की पतंगें फंसी होती है ना, इन्हें बहुत कठिन होता है निकालना, क्योंकि पेड़ में आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा पत्ते वत्ते होते हैं, तो लंगड़ आपका इधर उधर फंस जाता है। फिर से हमने फेंका है, शायद अब की बार आ जाए, देखते हैं फंसा के, मांझे के पास तो गिरा है, नहीं नहीं यार, अब की बार भी नहीं आया, तीसरा ट्राई, शायद आ जाए, नहीं आया, नहीं आया भाई, लंगड़ भी ख़राब हो रहा हमारा, अब गया भाई, देखो सामने गिरा है, कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो जाए, मंजे के पास तो गिरा है, तो भाई मांझे के पास गिरा था, कैमरा मैंने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन मेरा मांझे मंजे में तो फंस गया, लेकिन पेड़ में भी फंस गया यार लंगड़ हमारा। अबे यार निकला, क्या हुआ, आया नहीं आया, आया नहीं आया, अब नहीं 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 नहीं, आगे आगे भाई, आगे आगे मांझे, आगे देख सकते हैं मांझे आ गया फंस के, देखो ये कुछ फंसा है, एक बार मैं पास जाके आपको दिखा दूँ, तो ये देखो यार ये मांझा फंस गया है सामने, आप देख सकते हैं मांझा तो आ गया पतंग का, अब पतंग आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, अभी पतंग पेड़ में ही फंसी है, मुझे नहीं लगता कि पतंग आएगी नहीं आएगी, अभी निकालते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। खाली ये डोर होगी नहीं, लेकिन पतंग है, पतंग देखो सामने रही पतंग, यही फंसी थी ऊपर थी, और आ जा जो भाई, पतंग आ गई, पतंग आ गई, पतंग आ गई, देख सकते हैं ये रही भाई पतंग, ये पतंग फंसी थी, निकाल ली हमने, आपको दिखाते नीचे गिरा के कैसी पतंग है कैसी नहीं है, अबे फिर से गई है तो इधर गिराते हैं, अब दिखाते हैं आपको, देखो ये रही कुछ पतंग, दिखाते हैं अभी आपको, देखो वहाँ से पतंग कट के आ रही थी, पतंग ये रही हमारे हाथ में जो हमने लूटी है, दिखाते हैं कैसी पतंग है। तो भाई ये तो काफ़ी चिथड़ों वाली पतंग लग रही है, देखो यहाँ से पूरा टेप वेप चिपका है, पतंग कितनी ख़राब है, है तो ये पौनी, और यहाँ पे किसी का नाम भी लिखा है यार, नाम दिखाता हूँ किसका नाम है, नहीं नाम ऐसे कुछ लिखा है पतंग, यार ये तो बेकार ही है, बेफालतू में निकाला, फंसे ही रहने देते इसे पेड़ में, चलो जैसे ही पतंग मिल चुकी है, ये पतंग थी कुछ निकाल ली हमने, और कारीगर का नाम भी फेड है, तो ऊपर से कट के आई थी, दिखा दी पतंग ये रही, और फिर अगर और पतंग तंगे आती दिखाते हैं आपको, ये पतंग थी भाई ऊपर, देखो जो पतंग तंगे लड़ रही ना मेरे सर के ऊपर, उसने काटी थी बंदे ने, वो देखो और भी पेड़ लड़ना, उधर ही पतंग रही, उधर ही पतंग रही, ये देखो आपस में फिर से लड़ रही है, तो इन्होंने ही काटी थी पतंग, हमें फिलहाल मिल चुकी है ये पतंग रही, चलो दिखाते हैं फिर आपको, फिर लड़ी एक और काट दी, एक और काट दी, एक और काट दी, एक और काट दी, देखो एक और पेज फंसा है भाई, काटेगा काटेगा, काटी काटी, मैंने कहा था ना पतंग काटेगा, ये देखो ये पतंग कट के आ रही है, आई आई, गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई, ये देखो भाई पीछे से और एक और पतंग कट के आई है आपके सामने, वो गिर गई, देखो वो गई गई गई, नीचे जा चुकी है पतंग, तार में गई, उस बंदे की कटी थी, उसने काटी थी, देखो उसने काटी थी। अब पतंग भी बहुत लूट ली, निकाल भी ली पेड़ से, चलो पेड़ उड़ा लेते हैं जल्दी से, तो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग ऊपर चढ़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रहा है ब्लू सर्किल के अंदर, काफ़ी तेज़ी से चढ़ाई कर रहा है, गया गया उसके मुंह के पास गया, चक्कर दिए, एक चक्कर दो चक्कर, तीसरे चक्कर में अंदर की दिखाई, काट दिया,
देखो भाई यहाँ पे बस ये वाला ऑप्शन था, मुझे पता था मेरा अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा बिन हवा में आ गया है, वो बाहर के खींचेगा, और अगर कोई बंदा बाहर के खींचे तो अंदर का रुख लगाओ, सीधा सी बात है, अंदर का रुख लगाओगे पतंग काटोगे। और अगर वो अंदर की दिखाता तो क्या करना था, क्या करना था कमेंट करके आप लोग बताओ, अगर वो बंदा अंदर की दिखाता तो हमें क्या करना था इतनी तेज हवा में, कमेंट करना। एक और पतंग उड़ लगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, सीधे लड़ाते तो एक और बंदा आगे लड़ाने वाला रेड सर्कल के अंदर, मेरी पतंग ने ऊपर से नीचे से हमारा अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर, इसकी पतंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, गया भर्रा फेंका उठाई, डोरा लगा के काटना चाह रहा हूँ मैं इसकी पतंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राउंड हो रही है इसकी पतंग, खींचूंगा तो शायद मेरी कट जाए, फिर गया भर्रा फेंका, फिर उठाई बस कट गया झोल से ही। अब देखो ये पतंग बहुत ज़्यादा राउंड हो रही थी उसकी, तो अगर राउंड पतंग में मैं खींचने की गलती करता तो शायद मेरी पतंग कट सकती थी, क्योंकि उसकी पतंग कहीं की भी आ जाती, लेकिन मैंने खींची नहीं, हवा का फ़ायदा उठाया, हवा का फ़ायदा उठाना सीखो, पेज काटोगे। ब्लैक वाली पतंग आ गई, हत्ता मारने मारा मैंने, भर्रा फेंक के चक्कर दिए, कट गया वो बंदा। अच्छा वो मैंने मांझा हाथ के पास ही रखा था, अगर सर्दी होती पक्का मेरी पतंग कट जाती। तो यार इनसे मैं बहुत परेशान हूँ, हत्ता मारने वालों से, रोज़ पड़ता है मेरी पतंग हत्ता, रोज़ मेरी 3-4 पतंग बर्बाद होती हैं, लेकिन आज बच गई, मांझा मेरे हाथ के पास ही था तो पतंग ये वाली भी काट दी है। अब थोड़ी पतंग मैंने और लंबी कर ली, हमारे राइट हैंड साइड से एक पतंग उड़ रही थी, तो देखो रेड सर्कल था, मेरी पतंग ऊपर लड़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर, हवा थोड़ी हल्की पड़ गई, दम तोड़ लगी हवा, लेकिन इतनी है कि पतंग लड़ जाएगी, पतंग काफ़ी ज़्यादा खड़ी करके दे रहा है, ये गया उसके झोल की तरफ, उसने खेल दिया। अरे यार लेट हो गया, मैंने कहा ना टाइमिंग का खेल है, मैंने रुक तो सही दिखा था लेकिन लेट हो गया मैं, पतंग कट गई पहले उससे। अब यहाँ पे एक और पतंग मैंने पार कर ली, सामने दो दो पतंग उड़ रही, चलो इसी में से एक से लड़ाते हैं, रेड सर्कल में मेरी पतंग रही, ऊपर से लड़ाऊंगा, नीचे दो दो पतंग हैं, लो आपस में ही लड़ मरे वो, लो एक बंदा कट गया, एक बंदे की पतंग बची है, चलो इसी की काटते ब्लू सर्कल वाले अपोनेंट के लिए। देखो नीचे से, अरे यार पीछे से पतंग आ गई कट के, पहले इसे जाने देते हैं वरना इसका डोरा लग जाएगा अपने उसमें और अपनी पतंग कट जाएगी। तो देखो वो पतंग निकल गई काफ़ी आगे, तो अब हम लड़ाते हैं पेज, उस बंदे ने लपेट ली लगता है, हाँ लपेट ली, देखो उसके उसमें आ गई है, दोनों की काटूंगा एक साथ देखना भी आप, लो टूट गई उसकी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, गया भाई, बाहर की खींच रहा था, आसानी से काट दिया, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो एक और पतंग काट दी इस वाली पतंग से, तो अब हम आ जाते हैं अपने राइट हैंड साइड में, उसी बंदे से लड़ाएंगे जिसने अभी हमारी पतंग काटी थी ना, हमें मौका तक नहीं दिया था, चलो उसी से लड़ाते हैं फिर उसकी काट के आपको दिखाते हैं। रेड सर्कल के अंदर मेरी रही, ऊपर से नीचे से हमारा अपोनेंट आएगा ब्लू सर्कल के अंदर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वही बंदा जिसने अभी पतंग मेरी एक काट दी थी, एक देखो काफ़ी खड़ी करके पतंग लड़ा रहा है, तो अगर कोई बंदा ज़्यादा ही खड़ी करके पतंग लड़ाए तो उससे दिक्कत हो जाती है, अगर आप गद्दा मारते हो तो खड़ी डोर पे आपकी पतंग फिसल जाएगी, कट जाएगी। अब सही है, एंगल मिला मुझे, बनाया मैंने, गलती हो गई मुझसे, अंदर की खींच रहा था, मुझे थपथपानी चाहिए थी, मैं पूरा बाहर के लिए जा रहा था, अब क्या पतंग कट गई।